कोरोना वायरस के चलदे पिंडां विच लोग अपने पद्धर ते पिंडां नूं सील कर रहे ने। गुरदासपुर के पिंड दतारपुर के बाहर भी लोगों ने नाका लगाया होया सी। घटना कल देर रात दी है जदों पिंड दा एक दलित वर्ग नाल संबंधित नौजवान जसविंदर सिंह काम करन लई पिंड दे बाहर जाना चाहुंदा सी अते नाके ते खड़े कुछ लोगों ने उसनूं बहुत जलील किया ते उसते मामला दर्ज करवाउण दीआं धमकियां भी दित्तियां। इस बेइज्जती नूं बर्दाश्त ना करदिआं उसने घर के अंदर फाहा लगा के अपनी जान दे दित्ती। पूरी घटना की जानकारी सांझी करदिआं परिवारक मैंबरां ने दस्सिआ कि उह पलंबर दा काम करदा सी ते इसे काम के तहत उसने पिंड तो बाहर जाना सी ते नाके ते खड़े नौजवानों ने उसनूं इन्ना जलील किया ते धमकियां दित्तियां कि उह बर्दाश्त ना कर सकिआ ते फाहा लै लिआ। कल इत्थे 3 बजे की गल आ, इत्थे करफ्यू लगा सी, पहरा लगा सी ते इत्थे घर दे सामने मुंडे बैठे सी, घर दे सामने कदी इत्थे नाके लगे आ जांदे सी, कदी घर दे बैंदे, होर कोई गल्लबात नहीं। ते इन्हें कहा भी तुहाडे पट्टे मरवाउणे आ। किन्ने कहा? उह लखबीर सिंह ने, मैंबर मौके देणा। हाँ जी, तो पहला दोपहर चाबी कढ़ी मोटरसाइकिल की, काम तो आए पहला मुंडे, तो फिर काम तो आ के चले रीपर मशीन लाने, गल कर चले बंदे डेरे वे, तो इन्हें मोटरसाइकिल चाबी कढ़ ली, कहिंदा तुसीं किथे चले? वो कहिंदा भी असीं डेरे चलने, कहिंदा असीं कादी चले, कादी करफ्यू लगा वा ते इत्थे जाना बंद। इन्हें मोटरसाइकिल चाबी कढ़ ली, फिर असीं घर फोन किया, मोटरसाइकिल चाबी कढ़ ली, बाद चाची गई आ गए, मोटरसाइकिल चाबी दवाई, फिर घर आ गए मुंडे दोपहर, आप 1:15 की गल है जी। तो उस तो बाद 3 बजे इतने नाका लगा उदो करफ्यू, तो उस तो बाद ने आके इतने क्रेश खड़ा किया, पुलिस ने सद्या फोन करके, फिर दबके दुबके दबाए मुंडे, तो मुंडे ने प्रैशर में आके दबा चाहिए थे। पुलिस ने मारा कुटिया उन्हें? नहीं मारा कुटिया नहीं, दबके दुबके मारे। मुंडे हाडे ने धमकियां दिंदे सी, कहिंदे टिक्का टिक्का उन्हां दे कोई भणेवे भणावे, टिक्का हाडे घर 10:30 आया शुरू तो लगती ही दुपहरे घर मैं रोटी पानी खवा लिया, न्याणे उधर किते काम गए, कहिंदे भी हुण अंदरा च वड़ के की करना ही, काम करना वा, काम करन गए ते उहने रोक ली चाबी ना मुंडे मोटरसाइकिल चो कढ ली, मैनू मुंडे ने उसले फोन कीता, चाची मेरी मोटरसाइकिल चो चाबी कढ ली, मैं गई, मैं कहा चाबी क्यों कढी मोटरसाइकिल चो, मैं उहनां नूं फिर निको कहा, मैं अपने न्याणे नूं गाल मंदा कढिया, फिर घर लै के आई आ, बाद च सामी पई इत्थे इहने नाका लाया, इत्थे वी न्याणे नूं उहने बहुत तंग कीता, पुलिस वालिआं नूं बार बार फोन लाउंदा सी, इहनां नूं आण के चुको, इहनां नूं आण के चुको, पुलिस मुलाजम इहने अंदर लिआंदे, मैं पुलिस मुलाजमां नूं कहा भी इहनां दे दो चपेड़ां मारो भी चलो नाके ते ना जाण, उह कहिंदे भी चलो बीबां असीं इदां ही कह दिंदे आ, बात विच इन्हें नहीं पता मुंडे हाडे नूं की क्या की नहीं क्या, उन्हें कहा तैनू छित्र फड़ा था, तीन तेरे भरा होर हैगे उन्हां नूं वी नाल ही फड़ाउणी, मुंडे हाडे ने तुहाडे मुंडे नूं पुलिस वालिआं ने ते नहीं कुछ किया? नहीं नहीं, पुलिस वालिआं ने कुछ नहीं किया, प्रैशर उन्ना ही बहुत पाया सी साडे मुंडे ते, मुंडे नूं जीन हराम कीता, कहिंदा कंजर आ, कंजरां दा तमाशा वेखो, आण के सानूं इन्हां लोकां ने कंजर बणाया वा, कौण कहिंदा सी, लखा ही कहिंदा अपनी मां नूं, इत्थे दी मां दे लखा बैठे, कहिंदा कंजर वा, कंजरां दा तमाशा वेखो, की गल असीं कंजर हो गए आ। दूजे पासे इस मामले ते जानकारी दिंदे हुए थाना मुखी ने दस्या कि जदों भी उन्हां नूं सूचना मिली कि नौजवान ने आत्महत्या कर ली है तो मौके ते पहुंच के लाश नूं कब्जे विच लै के पोस्टमार्टम लई भेज दिता अते परिवारक मैंबरां दे बयान दर्ज करके पिंड दे दो व्यक्तियां दे खिलाफ मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दिती है। शाम नूं सानूं पिंड दतारपुर तों सूचना मिली सी कि जसविंदर सिंह पुत्र सरवण सिंह मजबी सिख वासी दतारपुर, उम्र करीब 18 साल है, इन्हें अपने घर के अंदर पखे ना फाह लै के मौत हो गई है जी। ये संबंध में असी पुलिस पार्टी ने पुज के मौका देते वे घरद पता किया, जिन्होंने दसिया भी 14/4/20 जसविंदर सिंह गुआढ़ी जोड़े लखबीर सिंह उर्फ लखा, पुत्र प्यारा सिंह सरदार सिंह, अमनदीप सिंह उर्फ टिंका पुत्र सरदार सिंह वासियां दतारपुर जिहड़े आ, इन्हां ने बीती रात 10 बजे उन्हां दे नाल जसविंदर सिंह ते परिवार दे नाल माड़ा चंगा बोलिया सीगा अते थ्रैट कीता सीगा, जिहदे तों दुखी हो के 15/4 नूं शाम 7 बजे जिहड़ा जसविंदर सिंह ने अपने घर विच फाह लै लिया सीगा, जो बलविंदर कौर पत्नी जसबीर सिंह वासी दतारपुर जो कि मृतक की चाची लगती है, मृतक के दोनों माता पिता सधारण हैं, तो उन्हें वह पालन पोषण किया है, बलविंदर कौर के बयान देते दोषियों लखबीर सिंह अमनदीप सिंह के खिलाफ 306 चौकी IPC तहत थाना पैनी खावे के मुकदमा दर्ज किया। ये जो सानू पता लगा भी वो डेड बॉडी घर पई हुई है, उसके बाद पुलिस पार्टी पुजी, पुलिस पार्टी ने पुज के अमनदीप बलविंदर कौर के बयान से मुकदमा दर्ज करता, दोषियों की भरपाई। ब्यूरो रिपोर्ट
विजन पंजाब टीवी। News updates and entertainment videos. Please subscribe our channel. For all latest notification, don't forget to press the bell icon.